बुधाए में होकर हम बोध और आप देख रहे हैं बुध। बाबा साहब कहते हैं आपके जो राजनीतिक अधिकार हैं, आप कहीं भी जाएं वो अधिकार आपके साथ ही आएंगे। इस बात में मुझे कंचित मात्र भी संदेह नहीं है। यदि आप मुसलमान हुए तब आपको वे अधिकार मुसलमान कहकर मिलेंगे। आप सिख हुए तो वे अधिकार सिख कहकर प्राप्त होंगे। राजनीतिक अधिकार जनसंख्या पर आधारित होते हैं। जिसे आपकी जनसंख्या बढ़ेगी उस समाज के राजनीतिक अधिकार भी बढ़ेंगे। हम यदि हिंदू समाज से अलग हुए तो हमारी 15 सीटें हिंदुओं के हिस्से में जाएगी। ऐसा भ्रम किसी को नहीं पालना चाहिए। यदि हम मुसलमान हुए तो मुसलमान की वर्तमान जगह सीटें आप में से 15 जगह जुड़ जाएगी। हम यदि ईसाई हुए तो हमारी जगह ईसाई सम्मान को मिलने वाली जगहों में जुड़ जाएगी। प्रातः यह कि हमारे राजनीतिक अधिकार हम जिधर जाएंगे वे उधर आएंगे। इस बारे में डरने का कोई कारण नहीं है। इसके विपरीत यदि हमने धर्मांतरण नहीं किया तथा हम हिंदू धर्म में ही रहे तब हमारे अधिकार क्या रह पाएंगे। आपको इस पर विचार करना चाहिए। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। धन्यवाद।